भाई शो तो कर ले तुम्हारा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इस सब पता कहाँ है? नहीं बताओ। चेन्नई एयरपोर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट। और हम जा रहे हैं कहाँ पे? तुम बताओ ना। हम लोग जा रहे हैं अंडमान। अंडमान यानी यहाँ से अब हम लोग फ्लाइट लेंगे पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी बॉम्बे टू चेन्नई, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर। मेरा है शो, कल हमारा शो हो जाएगा तो हम लोगों को घूमने का मौका भी मिलेगा, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलेंगे। तैयार हो आप चलने के लिए? तैयार हो? आ जाओ। चेन्नई एयरपोर्ट पे तो हाउ कैन वी मिस साउथ इंडियन फूड। तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है चेन्नई एयरपोर्ट पे, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ तो समोसा ने मंगाया है, 6-7 कटोरी हैं उसमें। अरे यहाँ पे ये रहा ना, मैंने मंगाया है पोंगल और उसके साथ सारी तरह तरह की चटनी, एंड फॉर यू डोसा जो कि मैं ही खाऊंगी। कैसा लग रहा है भाई? मैंने ये ऑर्डर किया तुम्हारे लिए, और कैसा लग रहा है? तुम्हारी हड्डी गई हुई है जो? मेरी हड्डी भी गई हुई है, 4 बजे के हम उठे भी हुए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है और खाना भी नहीं खाया। तो अब खा लो ना, खाने को किसने मना किया है? खाओ। ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे। पहले शुरू तो करो अविनाश, शुरू तो करो। शुरू करेंगे तो फिर रोकिएगा मत। ठीक है, फिल्टर कॉफ़ी भी ऑर्डर करी है मैंने। यू लाइक फिल्टर कॉफ़ी ना? यहाँ की तो फिल्टर कॉफ़ी अलग ही होगी। आई विल ऑल्सो हैव फिल्टर कॉफ़ी। फिल्टर कॉफ़ी और पोंगल तो टू है। मैंने कभी पहले पोंगल नहीं खाया था। तुम्हें नाम कैसे पता चला कि इसे पोंगल कहते हैं? उन्होंने बताया, मैंने बोला उपमा खाऊं या पोंगल, लिखा हुआ था तुम्हें कब पोंगल खाऊं। और मैं सबको बता दूं कि मैं हूँ इस समय डाइट पे, मतलब मैं उल्टा सीधा नहीं खाने वाली हूँ क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है और मेरा जाने के बाद छूट भी है, तो मैं उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी ये खाना। उल्टा सीधा खाएंगे? लेकिन तुम ज़्यादा खा रहे हो ना, मैं भी तुम ज़्यादा खा रहे हो, मैंने देखा है। मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है, मैं कैसे ज़्यादा खाऊँ? तबीयत ख़राब में इतना खा गए हो? तबीयत ठीक होती तो इनका पूरा पसीना साफ कर जाते तुम। चीयर्स बेबी। फिल्टर कॉफ़ी मम्मी। मैंने अभी भी कॉफ़ी लिया है, तो ये ग्लास इन्होंने दिया है जो कि ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। ये भी दे दो। गरम है, गरम है। हाँ थैंक यू। क्यों लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं पागल हूँ? दो अंकल पता है आपस में बात करते हुए जा रहे हैं कि ये तो है ही, हमने देखा हुआ है इसको, इसको है थोड़ा प्रॉब्लम है दिमागी, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो आपस में मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि इस बेचारी की प्रॉब्लम से, बीमारी से हम समझ सकते हैं। इसी बीच तीसरे अंकल भी समझ गए हैं। 3-4 लोग और बात कर रहे हैं, मैं सामने भी देख रही हूँ। बेबी क्यों देख रहे हैं मुझे ऐसे? मैं क्यों कैमरा से बातें नहीं कर सकते क्या? बताओ, बात करते हैं। नहीं बेबी, थोड़ी देर पहले जो तुमने फ़ोन पर बातें की है ना चिल्ला चिल्ला के। नहीं नहीं, वो तो फिर बेबी गरम गरम है। तुम कहीं बैठ जाओ ना, थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेबी। हाथ ऊपर करना। क्या हुआ? ये शिकारी वाली जैकेट क्यों पहनी है? जो सांड को काबू में करते हैं। कितने बदतमीज़ हो तुम, ऐसा लग रहा है बटेर मारने जा रही हो जंगल में। बदतमीजी मत करो, मैंने ये लंदन से लिया जैकेट। वो जो जंगल में रहते हैं ना शिकारी महीनों, तो उन्हें वही बटेर मार के कच्ची खानी पड़ती है। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं अपनी बैग कलेक्शन लोगों को दिखाई दूँ। बेबी आराम से, तुम बहुत लाउड हो, सब लोगों ने सुन लिया, वो भी आ जाएंगे बैग देखने। हम लोग एयरपोर्ट पे, सिर्फ व्लॉग थोड़ी बन रहा है। मेरे को बात नहीं करनी है। अब बोलो क्या बैग का, क्या कलेक्शन, क्या आ जाओ। जैकेट का मजाक बनाया ना मैंने, इतना पहले देखो ये मटेरियल कितना अच्छा है। बेबी लग रहा है ये हटाऊंगा तो अंदर मुजरा हो रहा होगा। चलो बता दो फटाफट क्या है, और फिर हमें जगह भी बदलनी क्योंकि लोग हमें पागल समझ चुके हैं। तो जल्दी से यहाँ थोड़ा बहुत जो भी बताना है वो बता दो, फिर हम जगह बदलते हैं। तो फिलहाल मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी, और मैं आपको बता दूँ ये मेरी पहली कॉफ़ी नहीं, दूसरी कॉफ़ी है। बेबी तुम बहुत लाउड हो, सब लोग देख रहे हैं हमें, इतनी तेज क्यों बोल रही हो? तेज बोल रही हूँ क्या? हाँ कैमरे में आवाज नहीं जाएगी। ये मैं पहली कॉफ़ी पी रही हूँ दिन की, बस इतना बोलो ना। मैं पहली कॉफ़ी पी रही हूँ दिन की। क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, तेज बोलती हूँ तो प्रॉब्लम, धीरे बोलती हूँ तो प्रॉब्लम, यार मेरे को जानना। अच्छा वो बैग का तो बता दो, बैग का क्या कलेक्शन? मैं सोच रही हूँ कि ना मैं लोगों को अपना बैग कलेक्शन दिखा दूँ, मेरे पास इतने सारे बैग हैं पता है,
इतने सारे, लेकिन ना हो सकता है लोग, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, क्योंकि लोग गलिया भी सकते हैं कि इतने सारे बैग का क्या करती हूँ, लेकिन मेरे को बैग और परफ्यूम और सनग्लासेस का शौक है, और बस ये छोटे छोटे शौक है दुनिया में, मेरे को और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, यही छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। तुम्हें पता है जितने का तुम्हारा एक शौक पड़ता है ना, उतने में किडनी आ जाएगी किराए पे। हाँ, बैग्स महंगे होते हैं ना, ब्रांडेड लेने पड़ते हैं ना, महंगे होते हैं। बहुत बदतमीज हो मेरी, मेरी कितनी उड़ा रहे हो सबके सामने। ये तुम्हारी पहली कॉफी है दिन की? नहीं, मैंने इसके पहले ये बताओ ना कि चार तुमने डिस्कार्ड कर दिए हैं, इसलिए पहली है। नहीं तो, लेकिन अब मैंने थोड़ा, अच्छा मैंने, मैं सबको बता दूँ कि मैंने कॉफ़ी भी थोड़ी कम कर दी है, और मैं थोड़ा अपने खाने पे भी अब कंट्रोल करी हूँ, क्योंकि मैंने ऑफ लेट थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मेरा पेट फिट बाहर आ गया है। शो जब होगा ना तो आप देख लोगे, तो मैं, मुझे जाते ही जब मैं बॉम्बे वापस पहुँचूंगी तो मुझे दोबारा शूट के लिए निकलना है ना, वो वाला पहले का टाइम जा चुका जहाँ पे संभावना मोटी दिखती थी, अब मैं मोटी नहीं दिख सकती, तो मैं बहुत मोटी दिखूंगी बेबी। तो कैमरे के पीछे से बिग बॉस चाहते हैं, तो तुम कैमरे के पीछे, तुमने किसने बोला है, लो आओ कैमरे के सामने। आई लाइक दिस एयरपोर्ट ऑल्सो, मैं चेन्नई बहुत पहले आई हूँ, मैं पहली बार आया हूँ चेन्नई एयरपोर्ट, मुझे अच्छा लगा। देखो तो अपना बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं, फाइनल कॉल कहाँ की हो रही है? सिक्योरिटी चेक हो रहा है अभी पोर्ट ब्लेयर, हैदराबाद पोर्ट ब्लेयर सिक्योरिटी चेक। अभी अभी मैं अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था, तो मैं बहुत कम कभी कभार चेक कर लेता हूँ, तो कुछ डीएम आए हुए थे, उस डीएम में किसी ने संभावना और मेरा जो ट्विन टावर के पास का फोटो है किस करते हुए वो डाला है, और नीचे जो मलेशिया में था और नीचे लिखा है आप दुबई आए हैं मिलना जरूर, वो ट्विन टावर को बुर्ज खलीफा समझ रहा है। पहली बार तुमने डीएम चेक करा होगा, और वो भी यही। और बंदा कितना बुरा मानेगा कि दुबई आए और मिल नहीं रहे, दुबई आएंगे तो जरूर मिलेंगे। बेबी क्या बर्फ पड़ रही है क्या बाहर? ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के, मुझे लोग सीरियल किलर समझ रहे हैं पता है। विंडो मेरी है। आज विंडो उठ जाओ यहाँ से, क्यों मैं बुरा मान जाऊंगी? अरे मुझे उल्टी उल्टी आती है ना, कर देना कर देना, तो मेरे को विंडो चाहिए होती है बाहर, ताकि बाहर इधर तक मैं बाथरूम से वापस आऊँ, ये सीट खाली हो जानी चाहिए, जब तक सीट खाली नहीं करोगे मैं नहीं बैठूंगी, मैं जा रही हूँ। आ जाओ, अब कॉफ़ी नहीं पियेंगे, चाय। अब मैं चाय पे, धीरे धीरे मैं चाय पे उतरूंगी, अब मैं धीरे धीरे चेंज करूंगी। बहुत सुन लिया यार कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सुना दिया, पकड़ो इसको, आई एम अपसेट। इसका मतलब क्या होता है आई एम अपसेट? आई एम अपसेट मतलब आई एम अपसेट। कौन करता है ऐसे? मैं क्यूट नहीं लग रही हूँ? मैं क्यूट तो लगती हूँ ना, देखो तुम क्यूट हो बेबी, लगती हूँ ना, लग वो अलग है, तुम क्यूट नहीं हो। नहीं वो मैं हूँ लेकिन लगती भी हूँ, देखो तो ना है लेकिन लगता नहीं है, जैसे तुम हो लेकिन दिखते नहीं हो। बाद में मार भी देता है ना लोग। डार्क नाइट देखिए उसमें जोकर है। बेबी तुम चोर दिख रहे हो पता है? तुम चोर क्यों दिख रहे हो? ऐसा लग रहा है तुम चुरा के भागे हो। नहीं मैं बाथरूम गया था ना, तो मैं जहाँ खड़ा था ना क्यों थी बाथरूम में, हाँ। तो मेरे को इतना ही सीरियल किलर है, और अब कोई बाथरूम से निकलेगा उसको मारने के लिए खड़ा है। लेकिन जो सीरियल किलर नया नया बना होता है ना, जिसका एक्सपीरियंस नहीं होता फ्रेशर, और पकड़ा जाता है तो वो लग रहे हो। अरे अपने दांत दिखा रहे हो, दांत साफ कर रहे हैं अविनाश, दांत साफ कर रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं, इसने कराए हैं मेरे हैं। सिर्फ जूस पी रही हूँ, और ये देखो कितना खाओगे बेबी, अभी भूख लग रही है, चलिए भाई कुछ नहीं है, कुछ खाना है क्या? मेरी भूख नहीं है बिल्कुल भी, आई एम फाइन विद जूस। भूख कैसे होगी, 200 लीटर कॉफ़ी पी चुकी हो। ये रहो अभी अभी एयर होस्टेस मेरे पास आई, और उन्होंने बोला मुझसे मिलके स्पेशली कि वो मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, एंड इट फेल्ट सो नाइस। मैंने उनको बोला भी कि यू नो आप मेरे ब्लॉग्स में आना चाहते हो, तो शी सेड कि मैं ड्यूटी पे हूँ, और यू नो इट्स नॉट अलाउड। इतना इतनी अच्छी फीलिंग है ना, क्या बोलते हो अविनाश, तुम तो चोरी लग रहे हो। अरे आगे कुछ बोलो ना। कुछ नहीं, थोड़ी सी जलन हो रही है, उसको कम करने की कोशिश कर। तुमको क्यों जलन हो रही है इस बात से? अच्छा मुझे आके कुछ नहीं बोली ना। उसे ये नहीं पता कि जो दे के गई है इसके पैसे मुझे देने। पैसे बेबी ये कॉम्प्लीमेंट्री है, पकड़ा चुके हो क्या? तभी उसने मेरी तारीफ नहीं की, क्योंकि उसे मुझसे कुछ चाहिए नहीं था। क्या देना चाह रहे थे तुम? थैंक यू दे सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा ग्रेटिट्यूड निकालती हूँ, जरा मुझे खाने दो। यही तुम डाइट पे थी?
मेबी नूडल्स थोड़े तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ना मैं। इस बात की मुझे कोई खबर नहीं है कि मेरे साथ शेयर होने वाले हैं। मेरी हार्ट रेट तुम्हारी है। पानी पियोगे इसका? पानी पियोगे? नूडल का पानी पीने के लिए आया हूँ मैं। अपना खाना खा चुके हो तुम? देखना कल परफॉर्मेंस है, पेट में से नूडल लटकेंगे। तुम्हारी बद्दुआ लग रही है तब से मेरे को ना, मेरा पेट बाहर आ गया। तुमने तो कहा था तुम्हारी हर चीज मेरी है। मत करूंगा बेबी। पानी पियोगे? फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और मेरे साथ हैं इस समय मनमीत जी। इनसे आप मिल चुके हो, इनके शो के लिए आए हुए हैं और ऑलरेडी जो ऊपर से नज़ारा दिख रहा था फ्लाइट से वो इतना अच्छा था कि मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा, बट देन जाना तो पड़ेगा वापस। ऐसा सुना है ये जन्नत है जगह। चलो अभी होटल में मिलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज माई रूम। मेरा सामान ऑलरेडी आ चुका है अंदर, आप देख सकते हो, और मुझे रूम बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ही एयरपोर्ट के पास है हम लोग। अगर मैं आपको, ये रहा विनाश। व्यू दिखाओ, व्यू भी दिखाती हूँ मैं। बाथरूम दिखा दो ना, बाथरूम का व्यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बाथरूम का व्यू। अरे बाथरूम तो बहुत छोटा है। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आई लेट जस्ट। ये कॉफी कहाँ दिख रही है? सॉरी, चाय बोलूंगी आज से, मैं चाय बोलूंगी। ये रहा, ये क्या है? ठीक है, ये रहा चाय। अब मैं चाय पीऊंगी। बहुत मेरे को, मेरी सबने बेइज्जती करी है कॉफी बोल बोल के। अब नहीं पीऊंगी मैं। और बात करें इशू की तो, अरे यार, अरे कितना खूबसूरत है रे। मैं व्यू ना दिखा नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। दिखा रही हो जो दिखा, यही हो ना? इधर आओ। मतलब फ्लाइट से भी जब भी किसी जगह के एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ऊपर से उस जगह का व्यू दिखता है। मैंने पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान जैसी जगह का व्यू फ्लाइट में से आज तक कहीं नहीं देखा। इतनी खूबसूरत जगह, खूबसूरत। और अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं, हम तो सीधा होटल में आ गए हैं। अभी तो पूरा देखना बाकी है। जेल जाएंगे ना? जेल। जेल क्यों जा रहे हैं हम लोग? अरे वो जेल काला पानी? नहीं बाबा, अरे उसको क्या कहते हैं, सेलुलर जेल। तो वो काला पानी थी एक टाइम पे, तो ठीक है ना, सजाए काला पानी। कोई बात नहीं, सजाए काला पानी जाएंगे हम लोग और महसूस करेंगे वहाँ जाके कि वहाँ जिनको लोगों को जिनको सजा मिलती थी उनको कैसा महसूस होता होगा। अभी थोड़ी देर, एक घंटे तक निकलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, कुछ खा तो ले। मैंने नहीं खाया, मैंने थोड़े से गंदे से नूडल खाए थे। गंदे से नूडल्स? और इतने चाव से खाए थे तुमने? मेरा वाईफाई, इधर वाईफाई नहीं है भाई, ना इधर वाईफाई है, ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है, ना फेसबुक चल रहा है, ना यूट्यूब चल रहा है, क्या करेंगे।